अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माई चैनल। टुडे वी विल स्टडी एक्सरसाइज 10.2, रिड्यूस क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ 2021। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3, 4 एंड 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, part 1, 4 and 6 are included. We will solve it one by one. So let's start our video. Number 14 hai, express the following in the form of r sine theta plus phi or r sine theta minus phi, where terminal sides of angle major theta and theta and phi are in the first quadrant, means the angle theta or theta phi first quadrant mein hoga aur isme hamare paas part number 1, 4 and 6 include hai. So let's solve it one by one. Question number 4 ka part number 1, isme kya karenge? Sabse pehle r sine theta plus phi ka formula lik deti hu main, is equal to r cos phi sine theta प्लस आर साइन फाई कॉस थीटा। जब यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर भी प्लस, जब यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर भी माइनस। सो सबसे पहले हम इक्वेशंस बना लेते हैं। आर कॉस फाई इज इक्वल टू जो भी पहला दिया होगा उसके इक्वल 12, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड आर साइन फाई इज इक्वल टू 5, दिस वन। सो ये इक्वेशन नंबर 2। नाउ स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पर क्या होगा? आर स्क्वेयर कॉस फाई स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाइव इज इक्वल टू 12 का स्क्वेयर प्लस 5 का स्क्वेयर। सो ये इक्वल होगा आर स्क्वेयर, यहाँ से दोनों में कॉमन है तो आर स्क्वेयर कॉमन आ गया, यहाँ पर कॉस स्क्वेयर फाइव प्लस साइन स्क्वेयर फाइव यहाँ पर बचा, इज इक्वल टू यहाँ वी गेट 169। अब ये दोनों इक्वल होता है 1 के, तो आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 169। अब हमें आर स्क्वेयर नहीं चाहिए, सिर्फ आर चाहिए, तो स्क्वेयरिंग वो साइड करेंगे। आर इज इक्वल टू 169, यहाँ पर भी अंडर रूट और यहाँ पर भी अंडर रूट, आर आर से कट गया तो आर की वैल्यू हमारे पास आई अंडर रूट। आंसर इज इक्वल टू 13, तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 13। अब हमने फाइंड करना है, इसमें हमें फाइंड करना होता है आर और फाई की वैल्यू। सो फाई कैसे फाइंड करेंगे? फाई फाइंड करेंगे बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, ये इसलिए कर रहे हैं हम ताकि साइन और कॉस को डिवाइड कर दें, ताकि हमारे पास टेंजेंट ना आ जाए। साइन थी फाई डिवाइडेड बाय कॉस फाई, यहाँ पर आर भी है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? फाइव डिवाइडेड बाय 12। सो हमारे पास आर आर से कट गया और हमारे पास साइन डिवाइडेड बाय कॉस होता है टेंजेंट थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम टेंजेंट थीटा इज इक्वल टेंजेंट फाई इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 12, और फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? टेंजेंट इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 12। सो हमने यही दो वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है, आर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली और फाई की वैल्यू भी फाइंड कर ली, ये दोनों वैल्यूज़ हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स अ पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें दिया गया है आर साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। इसमें भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले आर की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय आर कॉस फाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। एंड आर साइन
pi is equal to minus 4. Equation number 2, अब squaring and adding equation 1 and 2, r square cos square phi plus r square cos square r square sin square phi is equal to minus 4 square plus, कोई भी पहले लिख दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, r square common cos square phi plus sin square phi is equal to get 41. अब यहाँ पर ये इक्वल होता है 1 के, तो r square ब्रैकेट में 1 is equal to 41. सो r की वैल्यू हमने फाइंड करनी है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन वो साइड, 41 का रूट वही आ रहा है 41, सो r की वैल्यू अंडर रूट 41. और अब हमने फाइंड करना है phi की वैल्यू बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2. सो हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 बाय 1, साइन phi is equal to minus 4 divided by r cos phi is equal to divided by 5. सो हमारे पास इधर वैल्यू आएगी r से कट गया, तो हमारे पास tangent phi is equal to minus 4 divided by 5. सो हमारे पास phi की वैल्यू आ गई है tangent inverse 4 divided by 5, root 41. Now moving towards the part number 6 and the last question of this exercise. Last question of this exercise 10.2 is 3 sin theta minus 5 cos theta. So isme bhi kya karenge hum, sabse pehle r cos theta is equal to 3, equation 1, and r sin theta ki jagah sorry phi is equal to minus 5, equation number 2. Ab dividing and squaring equation 1 and 2, we get r square sin square theta phi plus r square cos square phi is equal to 3 square plus minus 5 ka square. So r square bracket mein sin square common liya r square, isliye sin square phi plus cos square phi is equal to sin ka square, we get 34. तो r square is equal to 34. r की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, अंडर रूट 34. अब हमने फाइंड करना है phi की वैल्यू बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, r sin phi divided by r cos phi is equal to minus 5 divided by 3. r से कट जाएगा, हमारे पास बचेगा tangent phi is equal to minus 5 divided by 3, और phi की आंसर आ जाएगा हमारे पास tangent inverse. इसे मज़ी सॉल्व नहीं करना, बस इधर तक लिखना है क्योंकि बुक में हमारे पास इधर तक लिखा हुआ है. अंडर रूट 34 हमारे पास r की वैल्यू आई है और phi की वैल्यू tangent inverse minus 5 divided by 3 आई है. सो दिस वॉज द एक्सरसाइज, ऑल क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 10, exercise 10.2. I hope you all like this video. Thanks for watching. Allah Hafiz.